नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। और अब दोस्तों ये भर्ती 2020 वाली भर्ती नहीं रही, अब ये भर्ती रीट शिक्षक भर्ती 2021 रहने वाली है, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति 2021 में ही जारी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये न्यूज आप देख सकते हैं, नवज्योति की न्यूज है अजमेर से। और रीट भर्ती को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार का जो आदेश है उसका इंतजार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रही है। और रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने हो सकती है शुरू। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा एजेंसी नियुक्त करने के बाद बोर्ड परीक्षा के आयोजन में जुट गया है। बोर्ड का प्रयास है कि इसी महीने से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। आवेदकों को एक महीने का समय दिया जाएगा। परीक्षा 25 अप्रैल को कराने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जरोली इस संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं और प्रश्न पत्र संबंधी तैयारियों की जिम्मेदारियां भी तय करने पर विचार विमर्श जारी है। ये परीक्षा दो स्तर पर ली जाएगी। दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। पहली से पांचवी एवं छठी से आठवीं कक्षा स्तर के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में आवश्यक रूप से उत्तीर्ण होना होगा। इसके बाद ही उन्हें शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र माना जाएगा। यानी सबसे पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद शिक्षा विभाग जो है वेटेज और पात्रता के आधार पर कट ऑफ जारी करेगी। उसके बाद ही थर्ड ग्रेड के शिक्षक आप बन पाएंगे, ठीक है। और 25 अप्रैल सरकार ने डेट घोषणा पहले ही कर दी थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल को ही होगी। दोस्तों फालतू की बातों में ध्यान देने के बजाय आप अपनी तैयारी में जुट जाए। और विज्ञप्ति का दोस्तों क्या है, विज्ञप्ति तो कभी भी जारी हो जाएगी। आपकी परीक्षा डेट तो जारी हो ही चुकी है 25 अप्रैल, इसीलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज, कल देर रात जी न्यूज राजस्थान ने ट्वीट किया था और BSTC बीएड मुद्दे को लेकर। तो इसमें बड़ी बात यहां पर देखिए दोस्तों, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में BSTC धारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। लेवल वन में सिर्फ BSTC धारियों को मिल सकता है मौका। शिक्षा विभाग के जानकार सूत्रों से बड़ी खबर, 31,000 पदों पर होने वाली रीट परीक्षा में दी जा सकती है बड़ी राहत। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि BSTC को जो है उन्हीं को मौका मिलने की संभावना है लेवल फर्स्ट में, और लेवल टू के बीएड के लिए लेवल टू है, BSTC के लिए लेवल फर्स्ट है। इसके अलावा दोस्तों मैंने NCT की जो गाइडलाइन है वो अभी देखी नहीं है कि उसमें अनिवार्य दे रखा है या विचार के लिए दे रखा है, ठीक है। बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो दोस्तों शामिल हुए हैं विद्यार्थी बीएड के लेवल फर्स्ट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गाइडलाइन में दोस्तों क्या दे रखा है NCT के, अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। वैसे शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है कि BSTC के विद्यार्थी ही लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और ट्वीट भूपेन यादव ने जो चेतावनी दी है कि 5 जनवरी यानी कल शाम तक अगर रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो 6 तारीख से आमरण अनशन शुरू करेंगे जयपुर में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीएड BSTC मामले में कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। अभी भी बीएड डिग्रीधारकों से निवेदन है कि आप लेवल टू एवं विषय व रीट के पद बढ़ाने की मांग आपको करनी चाहिए, जिसमें आपको बड़ी राहत मिल सकती है। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, रीट लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि सामाजिक के कितने पद खाली है, तो पद काफ़ी दोस्तों खाली है और सरकार को जो है पदों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कम से कम 40,000 पदों पर यह भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि 45,000 के आसपास वर्तमान में थर्ड ग्रेड के पद खाली है, ठीक है। और DPC और नए पद सरकार ने सर्जित किए हैं तो पद वैसे भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल 45,000 के आसपास पद खाली है, लेवल टू के 21,000 से ज़्यादा पद है, बाकी लेवल फर्स्ट के पद खाली है, ठीक है। और इसके अलावा एक और ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का। तो दोस्तों बड़ी बात यही है कि
आपकी विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन बीएसटीसी जो बीएड का मुद्दा है वो भी विवाद में है। अभी सरकार ने फाइनल, वैसे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि बीएसटीसी के विद्यार्थी ही लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे, यानी बीएसटीसी के तो पहले ही थे, बीएड को शामिल नहीं करेंगे, ऐसी न्यूज शिक्षा विभाग से मिल रही है। बाकी दोस्तों विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो उम्मीद दोस्तों यही है कि आपकी विज्ञप्ति आज या कल में कभी भी जारी हो जाए, उसके बाद आपके जो आवेदन प्रक्रिया है वो इसी महीने में शुरू हो जाए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो बयान दे दिया है कि हम तो तैयार हैं और कभी भी आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और आवेदन प्रक्रिया भी इसी महीने में शुरू होने की संभावना है। एक महीने का समय आपको मिल सकता है, पिछली बार 26 दिन मिले थे, अब की बार 26 दिन से ज़्यादा का समय मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।